कुरुक्षेत्र द्वापर युग में कभी सत्ता के लिए संघर्ष की भूमि रही। आज इसी भूमि से एक नौजवान हरियाणा की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया है। उसका नाम है नायब सैनी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी के हरियाणा इकाई अध्यक्ष से प्रदेश की सत्ता तक का सफर नायब के लिए किसी नए से कम नहीं है। अभी हाल ही में पिछले साल उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। सैनी संगठन में मजबूत पकड़ और प्रदेश के मुद्दों को संसद के पटल पर उठाने के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं। सैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हैं। संघ में रहते ही उनका संपर्क मनोहर लाल खट्टर से हुआ था। इसके बाद ही सैनी बीजेपी से जुड़ गए। लेकिन सवाल है कि सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी क्या साधना चाहती है। सवाल यह भी है कि जाटलैंड के इर्द गिर्द घूमती हरियाणा की राजनीति में अचानक ओबीसी कैसे प्राथमिक हो गए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल किसान आंदोलन और महिला पहलवानों की नाराजगी ने हरियाणा की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। ऐसे में बीजेपी की नजर अब नॉन जाट वोटों पर है। जाट समुदाय की राज्य में करीब 25% आबादी है। चुनाव में ये समाज किंग मेकर की भूमिका में देखा जा सकता है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक जाट समाज को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी 31% है, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 21% है। पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि पार्टी हरियाणा चुनाव में सीएम फेस बदल सकती है, लेकिन उससे पहले ही जेजेपी के अलग होने से पार्टी को एक मौका मिल गया और खट्टर वर्तमान से पूर्व हो गए। हरियाणा में ओबीसी समुदाय का दबदबा है, खासतौर पर जाटलैंड में बीजेपी अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देना चाहती है। सैनी जिस कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं, वहां जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ज्यादा पॉपुलरिटी पाने वाले नायब सिंह सैनी को सबसे बेहतर चेहरा माना, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी के मुद्दे को हाई रख चुनावी मैदान में है। इसी मुद्दे को साधने के लिए बीजेपी नायब सैनी का चेहरा आगे की है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कुछ ही महीने में हरियाणा में दो चुनावों में वोटिंग होनी है। और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यही है कि वह अपना प्रदर्शन कैसे दोहराए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। सैनी ऐसे समय में सीएम बनाए गए हैं जब बीजेपी सरकार एंटी इनकंबेंसी से जूझ रही है। हाल ही में हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में नायब के सामने संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाने की चुनौती होगी। हरियाणा में सैनी जाति की आबादी करीब 8% मानी जाती है। अब जान लेते हैं कि नायब सैनी हैं कौन। दरअसल नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के गांव मिर्जापुर माजरा में हुआ था। उनके पास बीए और एलएलबी की डिग्री है। सैनी संघ से जुड़े रहे। इसी दौरान खट्टर से उनकी मुलाकात हुई और वो बीजेपी में शामिल हो गए। खट्टर के विश्वास पात्रों में से एक हैं, इसलिए साल 2023 में इनको संगठन की कमान सौंपी गई ताकि सरकार के साथ संगठन का सामंजस्य रहे। कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। साल 2019 के चुनाव में जीत कर वो लोकसभा पहुंचे थे। इससे पहले साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें खट्टर सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया था। माना जाता है कि खट्टर के करीबी होने की वजह से उनको ये फायदा मिला। लेकिन नायब सिंह सैनी साल 2010 के नारायणगढ़ विधानसभा से रामकिशन गुर्जर से चुनाव हार गए थे। सैनी ने संगठन में भी लंबे वक्त तक काम किया। सबसे पहले उन्हें 1996 में हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद साल 2002 में नायब सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने थे। 2005 में सैनी बीजेपी अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। फिर उन्हें बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया। साल 2012 में नायब सैनी का प्रमोशन हुआ और उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। संगठन में अनुभव, संघ से नाता, खट्टर की करीबी और ओबीसी के बड़े चेहरे, यही कुछ बड़ी वजह रही जिससे सैनी को सत्ता के सिंहासन तक ले गए। हरियाणा की राजनीति से ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।